जी तो गाइज हमारी परेशानी हुई दूर केवाईसी की पाई नेटवर्क के ऊपर, जो केवाईसी की बहुत ज्यादा दोस्तों के मुझे मैसेज आ रहे थे कि केवाईसी का हमारा फलां फलां मसला आ रहा है या हमारी केवाईसी नहीं हो रही। तो अगर आपको 30 दिन भी हो चुके हैं पाई को यूज करते हुए तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। जो ही आप वीडियो ओके करेंगे एंड करेंगे तो आपको केवाईसी की समझ आ जाएगी कि केवाईसी आपको कैसे मिलेगी, क्योंकि केवाईसी के ऊपर कोर टीम जो है काम कर रही है, पाई नेटवर्क की कोर टीम काम कर रही है, इसको इम्प्रूव कर रही है कि इसका जो डैशबोर्ड है इसको मास केवाईसी में लाया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी अपडेट आ चुकी है ट्विटर के ऊपर, ग्रेट न्यूज, आवर केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस कीप्स ऑन इम्प्रूविंग स्टेडली, सो बी पेशेंट, वेट फॉर योर टर्न, ऑल पेयोनियर्स विल बी इन्वाइटेड फॉर केवाईसी। ठीक है, सब लोगों को केवाईसी के लिए इन्वाइट किया जा रहा है। अब तो काफी लोगों को डेली के ये मैसेज आ रहे हैं, मुझे भी डेली स्क्रीनशॉट भेजे जा रहे हैं, लोग भेजते हैं मुझे। तो यहाँ पे देखें, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बीन सिलेक्टेड टू स्टार्ट द आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस केवाईसी। मतलब आपको अपने पाई जो है उनको रिसीव करने के लिए केवाईसी की जरूरत पड़ेगी। जब तक आप अपनी केवाईसी नहीं करेंगे तब तक आपको जो है आपके पाई नहीं मिल सकते, आपके वैलेट में नहीं आ सकते। अच्छा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ऑफ्टन रेफर्ड एज केवाईसी इज द प्रोसेस टू वेरीफाई पेयोनियर्स आइडेंटिटी आप प्री रिक्वायर्ड साइट फॉर मेन नेट ट्रांसफर एंड द की स्टेप टू प्रिजर्विंग द मेनेट इंटीग्रिटी। अच्छा, इसको कंप्लीट करने के लिए चार स्टेप आपने फॉलो करने हैं, केवाईसी को करने के लिए चार स्टेप ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें आपको पहले तो टाइम दिया जाएगा 5 से 10 मिनट, और जितना भी आपने अपना डाटा फिल करना है 5 से 10 मिनट के अंदर आपने अपना डाटा फिल करना है। और दूसरा, वहां पे कोई शोर शराबा, कोई शोरगुल कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल खामोशी हो जहां आप बैठे हो केवाईसी के लिए। और तीसरा, वहां पे लाइटिंग जो है वो ठीक होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे आपने अपनी फेस वेरिफिकेशन करनी है, अपनी लाइव वीडियो देनी है, तो कल को आपके लिए कोई प्रॉब्लम यहाँ पे ना बने और आपकी जो केवाईसी है वो रिजेक्ट भी ना हो। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे आईडी कार्ड, या तो आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, या फिर आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इन तीन चीज़ों में से एक चीज़ आपके पास ज़रूर हो ताकि आप अपनी केवाईसी जो है वो कंप्लीट कर सकें। अच्छा, अगर आपका आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आपकी एज 18 से कम है, तो फिर आप फैमिली में मदर का, फादर का, ब्रादर का, सिस्टर का, जिनका आप आईडी कार्ड लेना चाहें सारा डाटा फिर उनका आपने इसके ऊपर देना है, तब जाके आपकी केवाईसी होगी कंप्लीट। अगर आपका नेम होगा इसके ऊपर और आप डाटा देंगे किसी और का, आप किसी का भी आईडी कार्ड यहाँ पे लगा के अपनी जो वेरिफिकेशन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये है कि डाटा आपने वही देना है जो आईडी कार्ड के ऊपर होगा। ठीक है, जो ही आपको ये पॉपअप रिसीव हो, रिसीव ये पॉपअप कैसे रिसीव हो रहा है तो ये मैं बताना भूल गया था, अभी बता रहा हूँ। तो जो ही आप अपना माइनिंग का बटन प्रेस करते हैं तो आपको उसके बाद ऐड चलता है, ऐड के फौरन बाद आपको ये पॉपअप मिल जाता है। ठीक है, जो ही ऐड चलता है ऐड को क्लोज करके फिर आपको ये पॉपअप जो है ज़रूर मिलेगा, तो इसका आपने वेट करना है, बहुत जल्द ये पॉपअप आपको मिलने वाला है। और मिलने क्या वाला है, बहुत ज़्यादा लोगों को अब तो मिलना ये स्टार्ट हो चुका है, केवाईसी लोगों की अब होना शुरू हो चुकी है। आप डेली माइनिंग बटन प्रेस करें और आपको ये रिसीव हो जाएगा। अब आप पाई ब्राउजर में जाके वहाँ पे केवाईसी डॉट में जाके वहाँ पे चेक ना भी करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप माइनिंग बटन प्रेस करेंगे, ऐड चलेगा, ऐड के फौरन बाद आपको ये पॉपअप रिसीव होगा। ये हर बंदे को रिसीव होगा जिसके पास तकरीबन, जिसको 30 दिन मतलब एक मंथ हो गया तो उसको भी ये रिसीव होगा। तो यहाँ पे भी अपडेट आपको केवाईसी की मिल जाती है पाई नेटवर्क की। तो ये इस कुछ इस तरह का डैशबोर्ड है जब आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो जो ही आपकी केवाईसी कंप्लीट होगी फिर आपको इस तरह का पॉपअप मिलेगा। अगर आप किसी और परेशानी का शिकार हैं तो वो भी आपने मुझे बताना है, उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दे दूंगा। ये देखें, कुछ इस तरह का आपको शो होगा, आपने गो केवाईसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही गो केवाईसी पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है केवाईसी का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थी कुछ अपडेट, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो यहाँ पे भी कुछ केवाईसी की अपडेट आई हुई है, केवाईसी इनविटेशन और रैंडमली जनरेटेड बाय अ कंप्यूटर प्रोग्राम।
तो ये कंप्यूटर सिस्टम के जरिए आप लोगों की केवाईसी होंगी।